ओके आमेन आमेन हालेलुया। खुश हो आप सारी? कितना सारा सच्ची वाला, सच्ची वाले मुंह पर तो हंसी भी होती है थोड़ी थोड़ी, बीच में ऐसे क्यों? जो सच्ची वाला खुश होता है वो चेहरे पर मुस्कुराहट सी होती है ना उसके ऊपर। समझ आ रही बा आपको बात की नहीं आ रही? तो इसलिए आज मीटिंग इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, तो आपने इसको पूरा फोकस बनाना है कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या पकड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हो जो प्रेयर होती है, हम प्रेयर करते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ। हालेलुया। थोड़ा अच्छा मुंह रखो मेरे सामने, कुछ लोगों के मुंह थोड़े, आप जानते हो जब हम किसी का फेस देखते हैं कैसे पता चलता है ये खुश है या गमी में है? उसके चेहरे से। अगर उसका मुंह पर खुशी है तो पता चलता है हाँ खुश है ये। अगर उसका मुंह उतरा हुआ तो क्या पता चलता है? कुछ दुखी है हालात में बेचारा। लेकिन परमेश्वर सारी चीज़ें हमारी ठीक करता है, हमें ब्लेस करता है। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि जो हमारी प्रेयर होती है इसको प्रेयर को बोलते हैं गॉड विद कनेक्टिविटी। ठीक है, परमेश्वर के साथ हम एक कनेक्शन करते हैं जब हम प्रेयर में जाते हैं। ठीक है, दुनिया में अलग अलग चीज़ें भी इसको बोलते हैं, संसार में कोई मेडिटेशन बोलता है। एक्चुअली वैसे मेडिटेशन एक अलग चीज़ होती है, स्पिरिचुअल चीज़ नहीं होती। कई बार हमारे लोग भी सोचते हैं मेडिटेशन करते हैं, हम कोई मेडिटेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते हैं परमेश्वर के साथ। अगर जब तुम प्रेयर करते हो तो तुम्हारा विश्वास ये होता है कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ, ऐसे विश्वास भी चाहिए। अब मैं कनेक्ट हूँ, मेरी बात परमेश्वर से हो रही है। अगर तुम में ये फेथ है, विश्वास है कि जैसे मैं बातें कर रहा हूँ तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं कनेक्ट हो गया हूँ परमेश्वर से, अब मेरी वो सुन रहा है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ और उसका फल आ रहा है, ये फेथ का विषय है। कौन सा? अगर कोई बिलीवर प्रेयर करता है और ये विश्वास नहीं करता कि मैं कनेक्ट हूँ, अब कनेक्ट हूँ, विश्वास नहीं करता है तो कोई फल नहीं आएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, रीति रिवाज हो जाएगा। अरे आप अपनी प्रेयर को क्या मान रहे हो फिर? रीति रिवाज क्या मान रहे हो? रीति रिवाज, हाँ अच्छा ऐसे करना है, अच्छा ये लड़कियाँ कहती ऐसे बोलो, अंगीकार करो, ठीक है प्रॉब्लम जा चुकी है, मैं मतलब किसी को प्रॉब्लम है, कोई हालात है, इन बच्चों ने कहा है, ऐसे बोलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, जा चुकी है, जा चुकी। क्या हो रहा है ये वॉइस किस चीज़ की आ गई? हालेलुया, इधर तो ध्यान आप लोग, ये बात पर आपने ध्यान देना है। कई बार वो सोचते हैं लोग जो भी प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि जैसे दुनिया में कहीं भी गए लोग परेशानी के लिए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, दुनिया के हर धार्मिक स्थानों पर लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो वहाँ कुछ ना कुछ करते हैं लोग, है कुछ ना कुछ जो भी बांस खाया जाता है, करो करो ऐसा ऐसा करो। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ खाते हैं ना करने के लिए। दुनिया में जहाँ भी लोग जाते हैं, पंडित के पास जाओ तो पंडित भी कहता है ये करो वो करो, इन इन चीज़ों को करो तुम्हारा भला होगा। फिर वो तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जो पैसे लेता है, सारे पैसे लेते हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, तो लोग बेचारे करते हैं कि हमारा भला हो जाए। ठीक है, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी सिखाते हैं कि ऐसे करो, प्रभु के घर में
बोलते हैं ऐसे मुंह से अंगीकार करो, ये बीमारी मेरे लिए नहीं, ये हालात मेरे लिए नहीं। बेचारे लोग करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बिना विश्वास, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं आती, बोलो। क्योंकि उनके दिमाग में शायद ऐसे बोलना है, ये हालात मेरे लिए नहीं है, ये कैंसर मेरे लिए नहीं है, ये रोग मेरे लिए नहीं है, ये जा चुका है, ये हट चुका है, ऐसे उनके दिमाग में शायद ऐसे अंगीकार करना है सिंपल। तो फिर वो रिजल्ट देख नहीं पाते, क्योंकि रिजल्ट के लिए समझाता हूँ आपने क्या करना आज। अगर आपने जल्दी जल्दी रिजल्ट लेने हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है। वैसे ये बात परमेश्वर ने मेरे भी इतने सालों बाद भाई दिमाग, इतना काम तो परमेश्वर कर रहा था लेकिन इतनी गूढ़ी बात, जैसे मैं इसीलिए कहता हूँ परमेश्वर थोड़ा इधर आ जाओ, लड़पे हो आपस में, झगड़ा हो गया आपका है, कौन सा सीन इधर आ जाए ना, कड़ियाँ मारियाँ बेचारियाँ, आ जाओ, अच्छियाँ बच्चियाँ सुंदर, परमेश्वर ने और सुंदर बना चुका, अपने वचनों से भर चुका, तब ये सुंदर है। शक्लों शुक्लों को नहीं मानता परमेश्वर, क्या नहीं मानता, हम मानते शरीर भीना ना के रिश्ता करना, काला है बंदा, काली है भैन है, हम ऐसे करते हैं, वो परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो देखता है हमारा अंदर, शुद्ध मन विवेक अंदर का ये विषय है। वापस आते हैं उसी बात पर, मैंने कहा था आपको कि परमेश्वर का बाइबल उसका राज समंदर से भी ज़्यादा गहरा है। इतने सालों से मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, ये अभी बड़ी उन्नति में हम गए, तो परमेश्वर ने और डीपली ये बात समझाई मुझे, और मैंने भी इसको अपने जीवन में अप्लाई किया। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाता हूँ और खुद अप्लाई नहीं करता अपने जीवन में, कुछ दिनों से मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ इस बात को और ज़्यादा। मैं भी क्या कर रहा हूँ, जैसे ये देखो, जब मैं प्रेयर में जाता हूँ, आंख बंद करता हूँ, तो मैं वचन याद करता हूँ परमेश्वर का, ठीक है। पहले मैं उसको, अगर मुझे कोई हीलिंग चाहिए या दूसरी की हीलिंग के लिए बात करनी है, क्योंकि जब मैं अपनी प्रेयर में बैठता हूँ तो आप लोगों के लिए भी प्रेयर करता हूँ, और आधा घंटा और 10 घंटे में प्रेयर करता हूँ, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, मुझे बड़ा व्यक्ति बनाऊं परमेश्वर, इसलिए प्रेयर करता हूँ, सारे आपके लिए करता हूँ और थोड़ी सी अपने परिवार के लिए करता हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये दिमाग में रखना आप बात, ठीक है। क्या करना है आपने, ये एक ऐसा माइंड सेट करना परमेश्वर के साथ जब आप प्रेयर करते हो, या जब भी आप हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है। ऐसे आपने, जैसे मान लो आप, आपके शरीर में कोई रोग है, ठीक है, इसके लिए पहले यहाँ से आपको समझा देते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएगी। मान लो आपको रोग है, कैंसर है, HIV है, आप हमेशा के लिए नीचे का दर्द डेड हो गया है, स्पाइन डेड हो गई है, मन के डेड हो गए, धड़ सूख गया नीचे का, और दुनिया की कोई मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन हैमरेज हो गया है, ब्रेन अटैक हो गया है, व्हाटएवर, कोई भी बीमारी, ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन आपने करना क्या है, उस समय परमेश्वर को याद, अब परमेश्वर पर अब विश्वास कैसे करना है, अपने ब्रेन में, अपने मन में, क्योंकि आपने जहां आपका ब्रेन है, मन है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। उस बात को याद करना मन में, कहां पर, उसको सोचना है, मन के अंदर चलाना है उस वचन को, उस बात को, अपनी फेथ के लिए कि वो शक्तिशाली, वो सामर्थ्य,
क्योंकि वैसे नॉर्मली तो मैं भी करता था, आप लोग भी करते थे, लेकिन इन दिनों में ज्यादा परमेश्वर ने इस बात को समझाया मुझे और कहा लोगों को भी समझाओ, ज्यादा रिजल्ट दे जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर जाना है और उस बात को याद करके सोचना है कि वो इतना शक्तिशाली, अगर एक बंदा मर गया, क्योंकि एक दिन जब हो जाता है, मर जाता है इंसान, उसको जल्दी जल्दी बर्फ लगाते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब ऑक्सीजन नहीं ना जाती, अगर सुबह मरा तो आज शाम और अगले दिन तक फूल जाएगा, फट जाएगी बॉडी, पूरा सड़ जाता है अंदर से एक ही दिन में बंदा। कितने दिन में? इसीलिए बर्फ लगाते हैं ताकि एक आधा दिन बदबू ना आए उससे, बॉडी से। ठीक है, अब सोचो उस जमाने में 2024 साल एक कब्र में, वो पत्थर वाली कब्र, गुफा वाली कब्र, मिट्टी वाली नहीं, ऐसे उसके अंदर रख दिया लाजर को, बाहर से पत्थर से उसको ढाप दिया। कितने दिन हो गए? 4 दिन। जब 4 दिन के बाद यीशु उन बहनों के साथ कब्र पर जाता है तो वो कहती, प्रभु उसमें तो अब दुर्गंध आती होगी, बदबू, क्योंकि बुद्धि तो है, 4 दिन हो गए। तो यीशु मसीह ने उसे समझाया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अगर तुम निश्चय करोगे, विश्वास करोगे, तो किसकी महिमा को देखोगे? ये कहानी नहीं है बच्चे, काम करता पूरा परमेश्वर मान है। हम फेथ किसको कहते हैं, कनेक्ट किसको कहते हैं, विश्वास का प्रैक्टिकल किसको कहते हैं, ये हमारे अंदर उस तरह नहीं है जिससे होना चाहिए। हम संसार में गए, इधर उधर गए, धार्मिक स्थानों पर गए, बाबाओं के पास गए, आप कुछ लोगों के दिमाग में उस तरफ है, उस तरफ, वहां गए, यहां गए, उसी तरह यहां आ गए, उसी हिसाब से आप चलते हो यहां। ये वो नहीं है, ये सत्य का मार्ग है, यहां कुछ खास है आपके लिए। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब तुम्हें उसे याद करना अपने ब्रेन में, मन में, अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस 4 दिन मुर्दे को, सड़े को, बदबू आती, खत्म कहानी, नाड़ियां सड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो जिंदा हो सकता, तो ये कैंसर क्या है? आप इसको ब्रेन में रखकर ऐसे फेथ कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे लिए वे अच्छा, ये खत्म है बीमारी, ये ऐसे करना पड़ेगा। आप समझ आ रही है आपको? आज सारी बातों के लिए ऐसे कर सकते हैं आप, सारी बातों के, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। कुछ लोगों को देखना, जब वो बात करते हैं, जैसे प्रेयर में आ गए, तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, धन्यवाद 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 प्रभु प्रभु प्रभु, उन्होंने हाथ हुथ भी नहीं लाने आते बेचारे, जिसको हाथ भी नहीं लाने आते, जिसको खड़ा भी नहीं होना आता, वो क्या फेथ करेगा ना अभी? बोलो, पकड़, पकड़ एक बड़ा विषय होता है, पकड़ समझते हैं ना, पकड़, बाप की पकड़, दुनिया में आप, आपको एक बड़ी पकड़ है, वो है आपके पैसे लेन देन, बड़ी पकड़ है। आप दुकान पर जाते हो, कितने की चीज है, कितने की लेनी है, कितने बाकी लेने पैसे, करके बड़ा ध्यान देते हो, वहां आपकी समझ और पकड़ काम करती है। ये परमेश्वर के साथ भी चाहिए। बोलो, जब हम दुनिया में कार व्यवहारों में हमारी समझ काम करती है, तो ये समझ परमेश्वर के साथ भी बनाओ, क्या करो? अब समझ आ रही ना? सोचो, एक जन्म का अंधा है और परमेश्वर उसे कहता, देख तेरी आंखें खुल जाए वचन से। अब इस बात को सोचो, कुछ लोग पता है, हाँ पता है, परमेश्वर लंगड़े चलाता, ये नॉर्मल पता है, नॉर्मल, क्योंकि जो बात नॉर्मल है आपके अंदर, उस वो वर्क नहीं करेगी आपके अंदर,
ये सीखना होगा आपको। अगर परमेश्वर ने एक अंधे को उसकी नई आंखें बना दी, अब आपके मन में ये खास रीति से रहनी चाहिए, खास ध्यान से। वो सर्वशक्तिमान, उसके लिए काम कुछ भी नहीं। जब वो आंख नहीं बना सकता, जब लंगड़े की टांगें नहीं बना सकता है, ये बीमारी, ये रोग, ये मेरा हालात, ये मेरी प्रॉब्लम वो खत्म कर चुका है। ऐसे फेथ देना, ऐसे परमेश्वर का अपना फेथ देना, फेथ अपना विश्वास देना अंदर से। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तुमको करना है। क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसा शुरू करना पूरी मिनिस्ट्री ने हमारी ने, और करोड़ों लोगों को करवानी है हमने चीज। जो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं भी है लोग, उनको भी करवानी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बड़े मकसद के लिए चुना है, पूरी दुनिया के लिए। मुझे लाखों सेवक भी तैयार करने, लाखों। कितने? लाखों सेवक सेवा करने, परमेश्वर का काम करने वाले। मेरी ये कॉलिंग है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम जानते हो ना, आज आप लोग मैंने ये कहा था, मैं तुम्हें आज प्रेयर करनी सिखाऊंगा। आज कल मैंने कहा था कल आऊंगा, लेकिन कल तो मैं बड़ा लेट आया घर, 11-12 बजे लगभग हो ही गए थे। बठिंडा में गया था ना, वहाँ अपना क्या है, एक बड़ी संगति है, एक बहुत बड़ी मीटिंग, ठीक है। और उसकी प्लानिंग मीटिंग के लिए गया था मैं सेवकों पास्टरों से मिलने, लेकिन इसलिए मैं कल आया नहीं, तो आज आया हूँ जो प्रॉमिस किया था। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम भी कभी परमेश्वर के साथ जो बातें बोलते हैं उसको पूरा करा करो विश्वास के साथ। कैसे करा करो? विश्वास के साथ पूरा करा करो। तो चलो आज मैं आपको बड़ी सारी प्रेयर करनी सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इस पॉजिटिव प्रेयर को कैसे करना है, ये पार्ट इंटरनेट पर आपके लिए पड़ा रहेगा, ताकि आप दोबारा भी इसको निकाल कर, हो सकता है इसका पार्ट हम उठाकर, हमारा एक चैनल है अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स। इतने शब्द मैंने बोले, इतने शब्द से, ठीक है, उस पर भी हम डाल देंगे काट के। जैसे आज सारा कुछ हुआ, इससे जितना आपको चाहिए उतना काट कर प्रे वाला उस पर। कई लोगों को नहीं पता होगा ना उस चैनल का, हमारे अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स, व्लॉग्स करके नाम, ठीक है। रेडी हो? yes. मैं कहा शारे ना पूछ के वे लिए, शारा भी समझ आता है ना नुकी नहीं? आप जानते हो इस दुनिया में जब इंसान समझदार नहीं ना होता, तो दुनिया में उसे कोई भी बुद्धू बना सकता है, धोखा दे सकता है। बाइबल में ऐसे लिखा, और सबसे ज्यादा धोखा देता है आपको शैतान, परमेश्वर परमात्मा के नाम से। सच्ची इस दुनिया में ये सबसे बड़ा धोखा है, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से शैतान दुनिया को धोखा देता है। ये बड़ा गंभीर विषय आपके लिए, तुम्हें पढ़ना होगा, आगे सीखना होगा, समझना होगा। आंखें कर लो बंद और अपने मनों को लगाओ परमेश्वर के साथ। इसको बोलते कनेक्टिविटी, ठीक है। इस चेयर को थोड़ा सा यहाँ कर दो आगे, क्योंकि मैं चलूँगा, बैठूँगा नहीं। आप सब लोग अपने अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ, क्योंकि मुझे जोर से प्रेयर नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें सिखानी है। मेरा मकसद तुम्हें प्रेयर करना सिखाना है। लास्ट में जो होगा वो भी कर दूंगा मैं आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ऐसे बैठ जाओ आराम से। जो चौंकड़ी मार सकते चौंकड़ी मारो, जो लोग घुटने टेक सकते घुटने टेको, अगर घुटने थक जाए तो फिर चौंकड़ी मारो,
चौंकड़ी थक जाए तो घुटने टेको, ये करते रहना, लेकिन अपनिया लंबिया या टंगा सीधिया बाहर ना कढ़ना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे छा लेते सीधी टांगे, नए नए हो ना आप लोग, परमेश्वर आपका भला करे सबका। चलो ऐसे हाथ मेरी तरफ देखो, ऐसे करो हाथ ऐसे, ठीक है। अब नए लोग पूछते होंगे ये हाथ ऐसे क्यों करते हैं हम, ऐसे बताओ, किसी को पता ऐसे हम हाथ क्यों करते हैं हम मसीह लोग? हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, बस ये मकसद है और कुछ, इसीलिए हम हाथ हिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग जब प्रेयर करते हैं तो एक्टिव होनी चाहिए बॉडी, सोनी नहीं चाहिए बॉडी, ठीक है। लेकिन ये हमारा युद्ध है दुनिया शैतान के साथ, तो दुनिया में ये बड़ी बातें खास, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों को समझाने का, इसलिए आप ये सोच लो कि ये प्रेयर का मतलब है कनेक्टिविटी, जुड़ना परमेश्वर के साथ, जुड़ना। जैसे तुम आंख बंद करो, करो आंख बंद, अब विश्वास करो मैं परमेश्वर के साथ जुड़ चुका हूँ, ऐसे सोच में उसके साथ सोच बना लो, परमेश्वर के साथ सोच बना लो कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ चुका हूँ। बहुत तेज नहीं करना म्यूजिक, चलो सब लोग मुंह से धन्यवाद करना शुरू करो उस सर्वशक्तिमान पिता का। सब लोग धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, थोड़ा सा आवाज आनी चाहिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, सामर्थी परमेश्वर। अब महान खुदावन, आंखें बंद रखना और उसके साथ जुड़े रहना है। ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में, अपने रूम्स के अंदर, जहां जहां भी आप लोगों, आराम से बैठ जाओ और परमेश्वर के साथ अंदर से सोच से उसके साथ मन बना लो, जुड़ जाओ कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, और धन्यवाद करना शुरू करो उसका। उसके बाद धन्यवाद कर ही जाओ उसका कि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, आसमान हर चीज़ को उसने बनाया है, समुंदर पृथ्वी पहाड़ सब चीज़ों का वो बनाने वाला परमेश्वर है। ये जो शरीर है मेरा, ये जो मेरी बॉडी है उसने बनाई है, इसके अंदर जो सांस चल दे उसने दिए है, जो मेरे अंदर आत्मा है उसने डाला है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा बनाने वाला है, वो मेरा सर्वशक्तिमान है। दाऊद राजा, दाऊद भविष्यवक्ता ये कहता है कि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा रक्षा करने वाला है, वो कभी ना सोएगा, कभी ना ऊँगेगा, मेरी रक्षा करने वाला यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान है, पहाड़ उसने बनाए, हर चीज एक दिन उसके सामने पिघल जाएगी, उसकी सामर्थ के सामने भस्म हो जाएगी जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, लेकिन वही बचा रहेगा, वही बना रहेगा जो उस पर भरोसा रखेगा, जो उस पर विश्वास रखेगा। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। ये उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखने का मतलब ये बड़ा है कलीसिया, कभी अपने मन को दाएं बाएं ना करना, कभी अपने मन को छोटा ना करना, कभी अपने मन को उससे पीछे ना करना, कभी दाएं बाएं ना होना, अपने भरोसे को बनाए रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो छुड़ाने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, उसने सारी सृष्टि को रचा है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा बनाने वाला है। आज अगर मेरे जीवन में कोई दुख है तो बाइबल कहती है कि उसने मेरा हल करना है, बाइबल कहती है मेरा बनाने वाला वो, मेरे जीवन का मालिक वो, आज मेरी हर प्रॉब्लम को, हर घटी को, हर बीमारी को, हर रोग को, हर तकलीफ को दूर करने की सामर्थ सिर्फ मेरे बनाने वाले परमेश्वर के पास है, मेरे प्रभु के पास है। आज जब मैं उसके साथ जुड़ा हूं, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं कनेक्ट हूं अपने परमेश्वर से। धन्यवाद। अगले एक दो मिनट के लिए इस बात को फील भी करो, अपने मन को भी लगाओ, मैं कनेक्ट हूं, मैं जुड़ा हूं, ओ खुदा मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, मेरी बात तुमसे हो रही है, तुमसे, आपसे परमेश्वर, आपसे मेरी बात हो रही है। इस विषय को ऑनलाइन और यहां जितने लोग एक साइलेंट मूड में जाकर, एक जबरदस्त प्रेयर में जाकर, एक तगड़ी प्रेयर में जाकर इस बात को फील करो,
ऐसे फेथ करो, ऐसे फील करो कि आप उससे कनेक्ट हो, आपकी उससे बात हो रही है। मेरी बात, मेरे शब्द, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उस सर्वशक्तिमान खुदा से बोल रहा हूँ, मेरी बात वो सुन रहा है। क्योंकि वचन कहता है तू जब प्रार्थना करेगा तो तेरी कठिन बातों को जो तू नहीं जानता तब भी मैं उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने हमारे कान बनाए हैं। जब उसने कान बनाए हमारे सुनने के लिए, बाइबल कहती क्या वो खुद नहीं सुनता? वो सुनता है। तुम जब पताल में होंगे, तुम सोचो तुम पताल की नीचे तक सतहों तक चल जाओ तब भी वो तुम्हारी बात सुन लेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब सवाल है, जब वो हमारे साथ है, उसने कान बनाए, जो कान बनाने वाला है, जब हम बोलते हैं, उसने बोल भी हमारा बनाया है, वो सुनता है, तो क्या आपकी बात वो सुन नहीं रहा? वो सुन रहा है कलीसिया, वो सुन रहा है। अभी जो तुम चाहते हो रखो उसके सामने, रखो अपने मैटर उसके सामने रखो, विश्वास के साथ रखते जाओ। अब ये आपका मन है, रखते जाओ। अगर आप बीमार हो तो बीमारी के लिए मैंने तुम्हें जो पॉइंट समझाए थे उस विषय से याद करो, वो कितना सामर्थी है, कितना ताकतवर है, वो कितना शक्तिशाली है, जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिसने अंधे की आंखें खोल दी, आंखों को नया बना दिया, जो बनी नहीं थी, डेड थी, खत्म थी, उन आंखों को जो नहीं बनी थी उसने नया बना दिया, उन टांगों को जो लंगड़ी थी, जो दुनिया में लंगड़े का कोई इलाज नहीं, उसको पूरा नया बना दिया, वो मेरा परमेश्वर है। उसके सामने मेरे वचन है, जो मैं बोल रहा हूं उसके सामने रख रहा हूं। वो कहता है, वो परमेश्वर कहता है, मैं प्रभु के रूप में आया तुझे बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें मुक्त करने के लिए, पाप से, पाप की गुलामी से, शैतान से। उसने कोड़े खाए, उसने कील ठकवाए, उसने मार खाई, पवित्र लहू बहाया। बाइबल कहती उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए। इसको विश्वास करो, वो सामर्थ्य है। तुम्हारे अंदर जो भी रोग उसको बोलो, तू खत्म है, तू खत्म है। अगर आप किसी के लिए बोलना उसके लिए बोलो, खत्म है तू रोग। आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, बेटी है, बच्चा है, पत्नी है, पति है, कोई भी है, उसकी ओर ध्यान दो और परमेश्वर पर अपना मन लगाकर उसको सर्वशक्तिमान जानकर। वो वचन से कभी नहीं बदलता, वो वचन से कभी नहीं बदलता। जब उसने अपना काम पूरा किया है उद्धार का, चंगाई का, तुम्हें छुटकारा देने का, तो वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल ये कहती है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, उसके वचन की बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। एक बिंदु मात्रा भी जो लिखी गई है उसका भी पूरा होना अवश्य है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा वचन कि हमारे लिए यीशु कोड़े खाए, शरीर तड़वाए, पवित्र लहू बहाए, पूरा शरीर तड़वाए और फिर अपना वचन दे, मेरे मार खाने से, कोड़े खाने से तुम्हारी बीमारियों को मैंने दूर कर दिया है, खत्म कर दिया है। इस वचन को फेथ करो, उस वचन को ब्रेन में लो, उसकी सामर्थ को जानो, उसकी ताकत को जानो। अपने मन को आंखें बंद कर अपने मन में उस सर्वशक्तिमान की ओर ध्यान दो और बोलो ये खत्म है, ये कैंसर खत्म है, ये HIV खत्म है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये यीशु ने कोड़े खाकर इस बीमारी को खत्म कर दिया। ए बीमारी, ए डायबिटीज, ए शुगर, ए पथरियों, ए मेरे शरीर में गांठे, बहनों की बच्चेदानी की गांठे, बहनों की ब्रेस्ट की गांठे, गले के रोग, थायराइड के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, कैंसर के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, ब्रेन ट्यूमर, बंद वेन्स, कोई भी रोग बोल, तू खुश नहीं है, तुझे तोड़ दिया है मेरे प्रभु ने, कोड़े खाकर तुझे खत्म किया, निकल मेरे शरीर से, निकल 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 आउट, तू खत्म है। तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू मेरे जीवन पर राज करे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ए शैतान, ए नेगेटिविटी, ए गंदी आत्मा, ए दुष्ट आत्मा, तेरा अटैक, तेरी जुकती टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे पति से, मेरी पत्नी से, खत्म हो चुकी तेरी जुकती, खत्म हो चुका तेरा काम शैतान, खत्म हो चुकी है दुष्ट गंदी आत्मा, तेरा काम मेरे जीवन से खत्म है, खत्म है,
खत्म है, खत्म है। उसका वचन अटल है, वो पूरा होता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ताकत का परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसका वचन बदल नहीं सकता। जो खुदा ने कहा है वो पूरा होता है। यस यस रूजिंग न बाबा बाबा। अगले दो तीन मिनट नन्हे भाषा में बातें करो। लेब्रे संगिया न बाबा उब्रा न यंद्र बे 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 लुब्रो सकिया न बाबा बाबा लुब्रो सेंड न बरी ने बिरी संग्र बे बे बरी लदरी अंदर दी रिया सक न बाबा बाबा। अगले एक दो मिनट नन्हे भाषा में बातें करो खुदावंत से। रिया सकिया न बे 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 लुब्रो सकिया न बरी बे 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 उब्रा सकिया न बरी संद्र बे बे रोजेंद्र बे 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 लेदर अंदर बे 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 संद्र रिया साय न दे बे 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 बे। हर तरह का हालात जीरो है, जीरो कर दिया खुदा ने। श्वास करो, कहो आंखों को खुल जाए, मोतिया खत्म हो जाए आंखों का, आंखों की रोशनी वापस आए, आंखों में पूरी रोशनी वापस आए। उसकी जीव शक्ति से वो मेरा परमेश्वर है, उसने मेरे लिए किया है, उसकी सामर्थ बड़ी है। जब वो लंगड़े चला सकता है, जब अंधों की आंखें खोल सकता है, मेरी आंखें क्यों नहीं कर सकता, मेरी आंखों का चश्मा क्यों नहीं उतार सकता, मेरे नाक की बड़ी हुई हड्डी को क्यों नहीं वापस वहां कर सकता, मेरे घुटने मेरी हड्डियां टूटी जो उसको क्यों नहीं नया कर सकता, वो कर चुका है। मेरे घुटनों का रोग उसमें ग्रीस जो खत्म हो गई है, उसमें जो गैप आ गया है, घुटने नए हो चुके, उसकी सामर्थ्य से वो शक्तिशाली है, वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसकी पावर बड़ी है। बाइबल उसने समुन्द्र को धोपा कर दिया, आसमान से खाना आता था, चट्टानों से पानी निकलता था। एलिया के द्वारा उसने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया, अलीशा के द्वारा उसने शूनेमिन के एक 12 साल के बेटे को जो मर गया था, अलीशा के द्वारा, अलीशा की प्रार्थना के द्वारा, अलीशा के वर्ड के द्वारा परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, वो बेटा भी जिंदा हो गया। जब अलीशा के द्वारा नमान कोड़ी, जब उसके शरीर पर कोड था, जबकि उसके पास करोड़ों रुपया था, वो बड़ा राजा था, बड़े राजा का सेनापति था, जब इतना करोड़ों रुपया उसका कोड को खत्म नहीं कर पाया, तो अलीशा के द्वारा परमेश्वर का एक वचन जो निकला उसके मुंह से, उसका कोड खत्म हो गया। जब एक मिनट में कोड खत्म कर सकता है, एक मिनट के लंगड़े चला सकता है, भूखों को बुलवा सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ये हालात मेरे सर्वशक्तिमान खुदा के सामने कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान खुदा के सामने कुछ नहीं है। ये हालात मेरे सर्वशक्तिमान खुदा के सामने कुछ नहीं है। सब गंदी आत्माएं उसके सामने घुटना टेकती है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती तुम ये विश्वास करते हो एक परमेश्वर है, ये विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती है और थरथराती है, डरती है उस खुदावन से, क्योंकि वो भस्म कर देता है दुष्ट आत्माओं को, दुष्टों को, कुकर्म करने वालों को, गंदे लोगों को। वो कहता मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका वचन बड़ा है, उसकी दया बड़ी है, वो सामर्थ्य है। उसे याद करो, उस सर्वशक्तिमान खुदावन को, वो कितना बड़ा है। अंगीकार करो वो काम कर रहा है, अंगीकार करो उस पर विश्वास करके। अंगीकार का मतलब उसको उसको अपने मुंह से बोलना, वो महान है, वो सामर्थ्य है, वो कर चुका है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। यहां तुम हर हफ्ते, हर वीरवार, हर संडे बड़ी बड़ी गुवाहियों को सुनते हो, फेफड़ों में पानी भर जाता है। वो खुदा उनके फेफड़ों में ड्रेनिंग करनी पड़ेगी, एक पाइप लगानी पड़ेगी पानी को निकालने के लिए, लंबा प्रोसीजर है। फेफड़े हील हो जाते हैं या नहीं हो जाते, वही परमेश्वर मुझसे हाथ रखवाता है, मेरे मुंह से शब्द बुलवाता है और फेफड़ों को नया कर देता है। वो खुदा है, वो सामर्थ्य है। 8 साल से बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, पक्की दवाई लगी जो 3 टाइम खाता है, दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर उसके फिट्स बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का एक वचन उस बच्चे की दवाई को बंद करवा देता है। वो तुम्हारा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखो, उससे बात करो। तुम्हारे घर में क्लेश है, बोलो क्लेश की गंदी आत्माएं निकल जाए। तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हारे काम काज नहीं चलते, तुम्हारे घर के हालात फाइनेंशियल खराब है, तो बोलो उस खुदा के सामने, वो दूर कर रहा है। जैसे तुम बोलोगे, जैसे उसके सामने रखोगे, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा, वो तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, वो तुम्हें बरकत देगा। क्योंकि उसने कहा यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर उन पर चित्त लगाए, जैसे मैंने आज तुम्हें चित्त लगाने की शिक्षा दी है, आज मैंने तुम्हें चित्त कैसे लगाते हैं, उसके मन उस पर कैसे मन लगाते हैं, उसके वचन पर, उसकी सामर्थ पर कैसे मन लगाते हैं, क्योंकि महान है वो परमेश्वर।
वो सामर्थ्य है। उसने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनकर चौकसी से उस पर चित्त लगाए तो मैं पृथ्वी की सारी जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरा हाथों का काम, धन्य होगे तेरे गायें पशु पशु बैल गायें पशु, धन्य होगी तुम्हारी कुठौती, धन्य होगा तुम्हारा हाथों का काम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कोई भी काम। उसने जब वर्ड दिया वो मुबारक होगा, तुम धन्य होगा, उसमें आशीष होगी, उसमें ब्लेसिंग होगी। वो खुदा महान है, लेकिन उसने कंडीशन दी है जब तू मेरे वचन को चौकसी सुनकर मेरे ऊपर भरोसा करता है, डाउट नहीं करता, शक नहीं करता कि वो कर नहीं सकता, वो शक्तिशाली है, वो महान है, ऐसे उसे याद करो। आमेन। देखो मेरी तरफ, बहनों का सिस्टम थोड़ा ठीक था, भाई लोग ठीक हो जाओ। बाइबल के अंदर अगर हम देखें ना तो सब कामों में लेडीज आगे थी। बाइबल के अंदर जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ क्या हुआ, ओ काले हो पीछे बैठाया करो ऐसे लोगों को, डिस्टर्ब करने वाले लोगों को, जो नए नए आते ना जिनको समझ कम होती है इनको पहले ही पीछे बैठाया करो, जाने दो जाने दो, अब क्या कर रहे हैं आप लोग, जिनकी समझ इतनी बेचारों की उनको क्या रोक रहे आप, उनको जाने दो बेचारों को। सुनो देखो ध्यान से, इधर एक बात सुनो ध्यान से, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होना था तो सबसे पहले कब्र पर कौन गई थी, औरतें गई थी, ये बात याद रख लो। दुनिया में आज भी देखते हैं तो बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, मन औरत हो बंदा हो एक ही चीज है हमारे पास, क्या है, एक ही चीज है हमारे पास, मन, चाहे औरत हो, मन तो मन ही है, लेकिन विषय ये आप कैसे लेते हो परमेश्वर की बात को। हालेलुया, कैसे लेते हो परमेश्वर की आप बात को, कैसे आप विश्वास करते हो या आप पर डिपेंड कर। बाइबल के अंदर यीशु मसीह के पास भीड़े आई, उनमें से कुछ चंगे हुए और बहुत सारे नहीं हुए। जो नहीं हुए थे वो आम थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आम मन था, खास मन नहीं था। पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं जीवन पाने की, पृथ्वी पर भी परेशान रहोगे बिना परमेश्वर से, और सबसे बड़ा लॉस करा लोगे तुम अपनी रूह का, अपनी आत्मा का, जिसको उद्धार मिलना, जिसको मोक्ष मिलना, दोनों तरफ तुम्हारा बड़ा लॉस हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही विषय है, परमेश्वर, उसके साथ चलना। वो तुम्हें फिजिकल भी पृथ्वी के ऊपर ब्लेस करेगा, फिजिकल जीवन जो हम ये शरीर हमारे पास फिजिकल शरीर है, स्पिरिचुअल तो हम अंदर हैं, ठीक है ना, हम काम का जिंदगी जीते हैं, लेन देन सब कार व्यवहार फिजिकल विषय, ठीक है, लेकिन याद रखना परमेश्वर उसमें भी तुम्हें ब्लेस करेगा और तुम्हें स्पिरिचुअल भी मोक्ष देगा, आमेन, जीवन देगा। इसलिए डाउट नहीं, फोकस, जब आप जुड़ रहे हो ऐसे नहीं, कुछ लोग बस ऐसे बैठे ऐसे ऐसे, अरे कुछ क्वालिटी बनाओ अपनी बॉडी की, फोकस बनाओ अपनी बॉडी का, क्या बनाओ, कुछ ऐसी सेटिंग से बात करो उससे, पता लगे आप उससे जुड़ रहे हो, क्योंकि हाव भाव से भी पता चलता है ना जुड़ा है बंदा। मैं देख रहा था कुछ लोगों को, क्योंकि मैं जुड़ा ही हूँ परमेश्वर से, लेकिन और जुड़ने के लिए मुझे आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम था तुम्हें जोड़ना, ये मैं उसकी ड्यूटी कर रहा था तुम्हें जोड़ने के लिए, ठीक है, तुम्हें बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखना, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, कुछ लोग ऐसे कर रहे थे ना,
खुशी, चेहरे पर ऐसा लग रहा था नूर है, खुशी है, ऐसे उससे बात कर रहे, ऐसे शब्दों को रख रहे, तो कुछ लोग सुटिया शरीर थले नू थले माड़ी माड़ी जी दंद पता लगन दिया भी जिदा फसे हैं इतने, जिदा वो भैन फटाफट उठिया खरे खत्म हो गई बरेर, तो उन्होंने भी कदों निकलिए, जाना है उठना है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कई चीजें ऐसी है ना मनुष्य नाम। हालेलुया। मैं इतनी डिटेल से क्यों समझाता रहता हूं लोगों को, क्योंकि मुझे आत्मा अगुवाई करता है, वो ऐसे समझाने से कई बार आम लोगों के भी अंदर ये बात बैठ जाती है। अगर मैं ऐसा अगुआ हूं बड़ी बड़ी बातें बाइबल की वो खोल ये खोल बोलकर थोड़े ऊपर से निकल जाए, उसका क्या फायदा, आत्मा से वो बात करें जो आपके अंदर बैठ जाए, जिससे आपको समझ आए। चलो फिर से जुड़ो खुदा के साथ, जैसे मैंने आज प्रार्थना करना सिखाया आपको, तुम हर विषय में खुदा के सामने जा सकते हो। आप कर्जों के नीचे हो, आपके ऊपर केस है, तो खुदा है छुड़ाने वाला, उसने कहा मैं तुम्हें हर बुंदवाई से छुड़ाऊंगा। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, बाइबल का ये जो वचन है अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, पूरी बाइबल में हिंदी में तुम अभिषेक अभिषेक पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम इसको यूनानी या नहीं इसको पुराने नियम अगर हिब्रू में पढ़ोगे तो हिब्रू में ये शब्द मैशक है, मैशक अभिषेक शब्द मैशक, लेकिन जब ये शब्द हम यशाया का पढ़ते हैं तो ये शब्द है सीमन, सीमन जिसका अर्थ है जो अनुग्रह मैं तुम्हारे ऊपर करूंगा उससे मैं तुम्हारा हर जुआ तोड़ दूंगा। आमीन। और बाइबल कहती यीशु की कुर्बानी, उसका शरीर तोड़ा जाना, उसका पवित्र लहू बहाया जाना, ये था पूरे संसार के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस, शीमन, जिससे उसने तुम्हारा हर जुआ तोड़ दिया है। आमीन। कोई कर्ज के नीचे तुम नहीं रह सकते, कोई शैतान के नीचे तुम नहीं रह सकते, किसी बुराई के नीचे तुम नहीं रह सकते, तुम्हारा मन किसी दुष्ट आत्मा का गुलाम नहीं रह सकता, तुम्हारी सोचे शैतानी गुलामी में नहीं जा सकती, गंदे थॉट्स, गंदी बातें वो तुम्हारे सोचों में आए, तुम्हारे विवेक में आए, उसने जुआ तोड़ दिया है, ये वाला तुम्हें फ्री कर दिया है। धन्यवाद करो इस बात के लिए कि यशाया का वो वचन जो बाइबल में लिखा गया वो 2024 साल पहले कुंवारी से पैदा होकर जो यशाया ने 7 अध्याय और 9 अध्याय में भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह की, उसी को लिखा गया था अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, मैं तुम्हें हर बंधवाई से हर बंधन से छुड़ाऊंगा। उसने यीशु को कुर्बान करके, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान करके या खुद परमेश्वर पुत्र के रूप में पैदा होकर तुम्हारे लिए हर बंधन को हर युए को तोड़ देता है। बोलो धन्यवाद प्रभु, ये जुआ टूट चुका है, ये कर्ज टूट चुका है, ये हालात टूट चुके हैं, मैं कर्जों से बाहर आ चुका हूँ, मैं हालातों से बाहर आ चुकी हूँ, आ चुका हूँ, मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, किसी भी प्रकार के आपके ऊपर केस हैं, वो केस तुम्हारे ऊपर बने नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा ने जुआ को तोड़ा है, उस बंधनों को तोड़ा है, उन हालातों को तोड़ा है। बोलो ये खत्म है, मैं फ्री हूँ हर तरह की रिकावट, चाहे बिजनेस की, परिवार की, जहाँ तुम्हारे किसी से लेन देन है, तुम्हारे पैसे मरे हैं, खुदाबंद की सामर्थ उसके मन को बदल रही है, वो तुम्हारे पैसों को दे रहा है, तुम्हारे लिए जॉब के रास्ते खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए खुदाबंद बिजनेस के रास्ते खोल रहा है। बोलो वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए कर चुका है, वो सामर्थ्य है, वो कर चुका है, मुझे ये आशीष वो दे चुका है, मेरे बच्चों में दे चुका है। वो हर बहन जिसके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, कुख बंद है, बोलो वो सर्वशक्तिमान है। उसका वचन कहता है यहोवा की ओर से बच्चे मीरास होंगे और गर्भ का फल जो यहोवा की ओर से इनाम है। हालेलुया।
वो पेट का फल, गर्भ का फल उसकी ओर से दान है, उसकी ओर से इनाम है। वो हमें दान देता है, वो आशीष देता है। वो पूरी दुनिया में उसका ये नियम काम करता है। जो उस पर भरोसा करने वाले हैं इस रुकावट से बाहर आ जाते हैं, इस रुकावट से बाहर आ जाते हैं, उन्हें आशीष मिलती है, वो ब्लेस होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। बोलो, आपने सुलेमान को बुद्धि दी, दाऊद राजा को सामर्थ्य दी, वो इतना आगे बढ़ा, मुझे सामर्थ्य बना चुके हो। सुलेमान से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जैसे बुद्धि और स्वभाव और मन और पेशेंस और शांति से भर चुके खुदावंद। मैं प्रार्थना वॉरियर बन चुका हूँ, मैं प्रेयर करने वाला बन चुका हूँ, मैं प्रेयर का योद्धा बन चुका हूँ, मैं वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूँ। आज से खुदा तेरा आत्मा मुझे भरे, आज से तेरा आत्मा मुझे भरता रहे, रोज भरता रहे, रोज भरता रहे, रोज मुझ में काम करे। तेरा आत्मा मेरी सोचों में काम करे, रोज मुझे अपने से भरे। तेरा आत्मा मुझे रोज भरे, पवित्र आत्मा जी मुझे रोज भरो, पवित्र आत्मा जी मुझे रोज भरो, रोज मुझे यूज करो, रोज मेरे मन में काम करो, रोज मेरी सोचों में काम करो। यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा। लिब्रिजा रखो रिजंबरे बीबी उभरा नारिये बीबी बीबी रिजा कर रे बीबी बीबी जंदरे बीबी। वो टच कर रहा तुम लोगों को, भर रहा खुदावन तुम्हें अपनी पावर से, अपनी आत्मा से भर रहा है, उसकी सामर्थ से भर रहा है। वो तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है, वो तुम्हें अपनी आत्मा से भर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है, 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 पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है। तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम जबरदस्त कनेक्टिविटी में बढ़ चुके हो। तुम्हारी हर बार जब तुम बैठोगे तुम्हारी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना बढ़ती जाएगी, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ती जाएगी। आज की ग्रेस, आज की प्रार्थना, आज के वचन तुम्हारी जिंदगी पर बड़ा फल ला चुके हैं, बड़ी बरकत ला चुके हैं, बड़ी आशीष ला चुके हैं। यह आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, 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 ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, ये आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी, ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहरी रहेगी। हर शैतान के काम को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ दिया उसने, हर शैतानी बीमारी को, हर हालात को खुदावंद ने तोड़ा है। आज उसको विश्वास करो, खुदा के काम को, उसके किए हुए काम को, उसके वचनों को याद करके उसकी सामर्थ पर भरोसा करो और बोलो ये खत्म है, ये हालात खत्म है, ये हालात खत्म है, ये खत्म हो चुका है। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें ये प्रार्थना करना समझाया, क्या किया, बाकी विषयों में इसी तरह आपने करते रहना है और इसी तरह से जुड़ना है जैसे आप जुड़ी स्पेशल। ये तुम्हें अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स पर हम डाल देंगे, कल इसी को डाल देना, ठीक है, मॉर्निंग डाल देना या कल शाम को 4 बजे डाल देना। जो फेसबुक है वो इधर जुड़े रहना, ये तुम्हारे लिए हमेशा काम आती रहेगी ये प्रेयर। आज कैसे प्रेयर करना है, कैसे मन लगाना, वो सारा पार्ट पार्ट डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। तो प्रेयर पिल्लर सालों साल चलता रहेगा, तुम बढ़ते रहोगे, तुम आते रहना, इधर भी आते रहना, दूर से घरों से जो भी लोग देखते हैं जुड़े रहना, क्योंकि हम आत्मा से 2 हफ्ते आपके ऊपर पावर रिलीज की थी, अब फिर तुम्हें प्रैक्टिकल करना सिखा रहे हैं, प्रेयर प्रेयर में बढ़ा रहे हैं, प्रेयर में कैसे बातें करनी, कैसे क्या क्या करना है। ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए जिसको आपने पकड़ कर बढ़ना है, ये सारा कुछ खुदा मुझे दे रहा है अपने आत्मा से। ये हीरे मोती जवाहरात है आपके लिए, हीरे मोती भी कुछ नहीं, 0 है इसके सामने, क्योंकि जीवन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, नहीं है, याद रखो, जीवन से बढ़कर कोई चीज, जीवन सबसे अनमोल है। जब बंदा मर रहा होता ना, कहता पैसे ले लो, घर ले लो, मुझे जीवन चाहिए, कहता कि नहीं कहता। वही उल्लू बंदा जब ठीक हो जाता कहता मैं काम दे गया, मैं संडे तानी आया, मैं ब्याह गया, साढ़े रिश्तेदारी च ब्याह। जब ठीक हो जाता है वही उल्लू बंदा परमेश्वर की सामर्थ को बोल जाता कहां से निकाला। बड़ा दुख होता है मुझे ऐसे लोगों के साथ, किसी को पहला दर्जा ना दो, परमेश्वर को दो।
फिर तुम जीवन के आखिरी सांस तक बचे रहोगे। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा, वो तुम्हें हालातों से निकालता रहेगा और तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। और ये दर्जा तुम दोगे तो ठीक है। तो अभी मेरी बस प्रेयर यही थी, ये कंटिन्यू ये हफ्ता अगले हफ्ते सब चलेंगे। अभी अगले हफ्ते मंगलवार को हमारा क्रूसेड है जलालाबाद में, उसके लिए प्रेयर करते रहना। वहाँ पर परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से यूज करे, क्योंकि वहाँ पर अपने लोग बहुत कम जाएंगे, दूर है ना, 500-700 जा सकते हैं, चाहत वाले 1000 जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी हजारों हैं वो उधर के हैं, तो उनको ऐसी आशीष मिले, वो छुटकारा पाए, दुखों से दुष्ट आत्माओं से बाहर आए। आप प्रेयर करते रहना मेरे लिए भी, उस रिवाइवल मीटिंग के लिए। ओके, तो मिलेंगे कल की मीटिंग में और सारी मीटिंग्स में, फिर परसों थर्सडे में, और इस थर्सडे प्रभु भोज होगा। क्योंकि ये याद रख लो, हर महीने में जो पहला, चाहे प्रभु वीरवार आए, जो भी पहले आएगा, चाहे संडे आए, उसके बाद अगर संडे आएगा तो अगले वीरवार, अगर पहले वीरवार आया थर्सडे आया तो फिर संडे, जब भी महीने के पहले जो जो दो होंगे थर्सडे एंड संडे, उनमें प्रभु भोज होगा। वाइट कपड़े डालकर आने हैं और प्रभु भोज लेना है वो। इस पर आज इस बार मैं और खास शिक्षा दूंगा, थर्सडे भी और संडे भी, ठीक है। तो परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपको बरकत दे चुका। जितने ऑनलाइन है मीटिंग को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इतनी पावरफुल चीज़ें जो हम खुदा से ले रहे हैं इतनी मेहनत से, वो लोगों के पास जाएं, लोगों का भला हो। मैं जानता हूँ आप दूसरी मिनिस्ट्रियों से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको थोड़ा कठिन हो जाता है शेयर करना, क्योंकि उनके साथ उनकी मिनिस्ट्रियों के बड़े लोग फेसबुक पर जुड़े होते हैं। जब वो शेयर करेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे, तू उस वाराणसी मिनिस्ट्री का शेयर कर रहा है? नहीं भाई, खुदा की मिनिस्ट्री है, मेरी थोड़ी है। किसकी मिनिस्ट्री है ये? खुदा की। उसको शेयर करना है ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जाए और लोग बड़ी बरकत पाए। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन। ओके।